बगैर डिग्री के कोरोना गाइडलाइन के खिलाफ इलाज करने वाले डॉक्टर सुशील खंडेलवाल के विरुद्ध थाना माधवनगर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है। दरअसल सुशील खंडेलवाल ने आयुर्वेद में डिग्री ले रखी है, जबकि वह एलोपैथिक पद्धति से इलाज कर रहा था। वहीं दूसरी ओर खंडेलवाल ने कोरोना गाइडलाइन के खिलाफ जाकर इलाज किया। नियमानुसार किसी भी डॉक्टर को उन मरीजों का इलाज नहीं करना है जिन्हें फ्लू है, जबकि सुशील खंडेलवाल फ्लू के मरीजों का ही इलाज कर रहा था। जिला चिकित्सालय के सिविल सर्जन द्वारा जांच करने के बाद आज थाना माधव नगर को एक पत्र सौंपा गया, जिसमें सुशील खंडेलवाल के खिलाफ कार्यवाही करने को कहा गया। थाना माधव नगर ने सुशील खंडेलवाल के खिलाफ आईपीसी की धारा 269A, 270A, 188 के साथ ही एमपी स्टेट काउंसिल एक्ट की धारा 24 के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। प्रकरण दर्ज होते ही थाना माधव नगर का पुलिस बल CSP रविंद्र वर्मा के नेतृत्व में डॉक्टर के क्लिनिक व घर पर दबिश देने पहुंचा। हालांकि मौके पर डॉक्टर मौजूद नहीं मिला। पुलिस की इस कार्यवाही में थाना प्रभारी प्रेम नारायण शर्मा, सब इंस्पेक्टर नितिन उइके, प्रधान आरक्षक संतोष राव, आरक्षक धर्मेंद्र सूर्यवंशी मौजूद थे। सर बताइए, एक फर्जी मामला रजिस्टर्ड हुआ है, फर्जी तरीके से कोई डॉक्टर इलाज कर रहा था और उसका मामला आया है, क्या है पूरा मामला? ये आज सिविल सर्जन कार्यालय की तरफ से एक लिखित आवेदन पेश किया गया था थाना माधवनगर में, जिसमें बताया गया था कि सुशील खंडेलवाल नामक एक निजी चिकित्सक अपने निजी क्लिनिक पर एलोपैथिक तरीके से इलाज कर रहा है, जबकि उसके पास आयुर्वेदिक डिग्री है और मुझे उसे एलोपैथिक चिकित्सा करने की कोई पात्रता नहीं है। इस संबंध में हमने तस्दीक की और तस्दीक करने के बाद उसमें हमने शिकायत दर्ज की है, जिसमें हमने धारा 269, 270 एवं 188 IPC के तहत एवं मध्य प्रदेश MP स्टेट काउंसिल एक्ट की धारा 24 के अंतर्गत हमने शिकायत दर्ज की। आरोपी गिरफ्तार हुआ? अभी आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है, लेकिन शीघ्र ही आरोपी को गिरफ्तार करेंगे।